नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। क्या राहुल गांधी आज जीत रहे हैं? क्या राहुल गांधी को सदस्यता वापस मिल रही है? दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं और बड़ी खबर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। आज सुनवाई भी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सूरत अदालत से मिली सजा उचित नहीं है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि देश के सर्वोच्च अदालत में यह अपील सफल साबित होगी। यह पहली बार है जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही वह ये चाहते हैं कि इस सजा पर रोक लगे और वो सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सकें, लेकिन इसके लिए वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। अपने जवाबी हलफनामे में राहुल गांधी ने बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी की आलोचना की है। शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी ने अदालत में पेश किए गए हलफनामे में राहुल गांधी को अपने बयान पर माफ़ी न मांगने के कारण उन्हें अहंकारी बताया था। आपको बताते चले कि गुरुवार को इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी की ओर से पेश किए गए हलफनामे में कहा गया, बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता पर आपराधिक केस करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्यता रद्द करके किसी को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस कोर्ट की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस केस में राहुल गांधी के वरिष्ठ वकील प्रशांत जी और दरअसल पुर्णेश मोदी की तरफ से वकील, दोनों में बहस तो हो रही है और वहीं सियासी बहस भी हो रही है कि 2024 में राहुल वर्सेस मोदी होगा। सीजीआई चंद्रचूर की पीठ आज ये फैसला कर देगा कि राहुल गांधी सही हैं या मोदी सरकार के चाहने वाले लोग या फिर उनके समर्थक पुर्णेश मोदी, जिन्होंने केस किया जिसके वजह से 2 साल की सजा हुई और उसके बाद जो है सदस्यता चली गई। मेन खेल सदस्यता का, कि क्या सदस्यता वापस होगी या नहीं, इसी पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।